The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फौज बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम लाने वाले गिरोह, जत्थे या फिर मुल्क से बाहर बैठे मुल्क के दुश्मनों के लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा सख्त, वाजे और दो टोक पैगाम दिया है और इस मामले के अंदर बड़ा वाजे दो टोक मौकफ है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात हैं। इस स्टेटमेंट की अहमियत है और ये मुकम्मल बयान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से क्या है, ये पूरे का पूरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त इस बयान को किस तरह से प्रिसीव कर रहे हैं और ये मैसेज है किसके लिए, क्लियरली किसे वाजे दो टोक पैगाम दिया गया है और पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रॉड परस्पेक्टिव में ये स्टेटमेंट दी गई है और इसे बहुत ही वाजे मौकफ भी कहा जा रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में 146वीं पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे और ये खिताब बड़ा अहम है और ये आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर तरफ इस वक्त आर्मी चीफ की तकरीर का ये जो हिस्सा है जो मैंने आपको आगाज में सुनाया है, ये इस वक्त वायरल भी हो रहा है। तो आर्मी चीफ ने कुछ बातें कही हैं, पहले मैं उनकी तकरीर का मुकम्मल मतन आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आर्मी चीफ ने कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप इस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस इदारे से पास आउट होना बड़े फख्र की बात है। 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना करना मेरे लिए भी बायस फख्र है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पर पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि 42 साल पहले मैंने भी इसी इदारे से ट्रेनिंग हासिल की थी, तब मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इस अजीम फौज की कमांड करूंगा। आगे का सफर आपके लिए बहुत चैलेंजेस लेकर आएगा, आपको मुस्तकबिल में मुश्किल और बड़े फैसले लेने होंगे। सरबरा पाक फौज का कहना था कि किसी भी फेक न्यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कैडेट्स के लिए, सरबरा पाक फौज का कहना था कि किसी भी फेक न्यूज और प्रोपोगंडे पर तवज्जो ना दें। मुल्क की हिफाजत बहुत ही महफूज हाथों में है। किसी मुल्क, किसी ग्रुप या किसी तंजीम को, किसी कंट्री यानी कोई और मुल्क, अगर ऐसा या कोई गिरोह या कोई तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे पाकिस्तान में सियासी या मुआशी अदम इस्तेकाम लाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को सियासी या मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान की अफवाज ने वाजे दो टोक मौकफ दिया है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम कुछ और चीजें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने नेक नियती से पड़ोसियों और इलाकाई मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात के लिए बहुत भरपूर कोशिशें की हैं। जनूबी एशिया के लोगों को भी खुशहाली और बेहतर मियारे ज़िंदगी का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि शोलों को अपने खित्ते से दूर रखें। हमें तरीक़ाकार बनाकर बाहमी मामलात को पुरअमन तौर पर हल करने के लिए अमन को मौका देना चाहिए। दुनिया बदल गई है और स्टेटस को की कीमत हम सबको अदा करनी पड़ेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे है नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ का कहना था कि हम अपने खून से अपने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करेंगे। आज हम जिस मकाम पर हैं वो हजारों बेटों की जानों की कुर्बानियों की वजह है। मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत हम करेंगे। नाज़रीन-ए-किराम, अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका के लिए
और पाकिस्तान के हर शहरी को यही समझना चाहिए और हर मुहिब वतन शहरी ये समझता भी है कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के दिफा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवन खान साहब ने यह बात कही कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान से ज़्यादा मजबूत फौज की ज़रूरत है और ये रियलिटी भी है। और इस सब के अंदर अब जो ये स्टेटमेंट आई है, इस स्टेटमेंट को जाहिर है इस वक्त डिजिटल मीडिया पर एक बाकायदा तौर पर एक परसेप्शन के लिए भी कि ये मैसेज किसे दिया गया है, ये सवालात भी हो रहे हैं। और अगर इस पर मैं अपना एनालिसिस दूं और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे समझ आई है इस स्टेटमेंट को सुनकर और ओवरऑल आप कह लें कि कॉन्टेक्स्ट को देखकर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से बाहर तो ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि फलां के लिए हो सकती है, एंड देयर इज अ रीजन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस स्टेटमेंट पर, इवन शीरी मजारी ने भी इस स्टेटमेंट को अपने ऊपर इस तरह लेने की बात नहीं की कि ये हमारे लिए है या कुछ ऐसा वैसा है। नाज़रीन इकराम, एक चीज जरूर हो सकती है और वो ये है कि ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मैसेज हो सकता है बिटवीन द लाइंस। अब इस सारे मामले में एक जानिब सियासी कुव्वतों को मैसेज है, लेकिन अगर सूरत हाल खराब होती है, हाथ से निकलती है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होती है और सिचुएशन वर्सन हो जाती है, तो ये मैसेज जो है ये फॉरेन कंट्रीज और जो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसीज हैं, उनको भी एक मैसेज है कि इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज देयर इज एन इंस्टीट्यूशन टू हैंडल दैट मैस इफ अ मैस इज क्रिएटेड। तो नाज़रीन कराम, अपरेंटली इससे इस वक्त ये समझ आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़े बोल्ड स्टेप्स लेने जा रही है, क्योंकि आप देखें कि काशिफ अब्बासी साहब ने भी ये बात कही कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं ईवान सदर में, इलेक्शन की डेट भी मिल जाएगी, लॉन्ग मार्च होना ही नहीं है, खान साहब का मुतालबा लॉन्ग मार्च से पहले ही तस्लीम हो जाएगा, लेकिन सब करके देख लिया, मामला सेटल नहीं हो रहा, खान साहब से अभी बातचीत चल रही है, कल मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी कि ये फितना है, इसके साथ नहीं बैठेंगे, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो अब जाहिर बात है दूसरी साइड जो है और जो गवर्नमेंटल साइड है, जो इम्पोर्टेड हकूमत है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ऐसे लग रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर डटी हुई है। आप डटी का लफ्ज़ कह लें या हट धर्मी का लफ्ज़ कह लें, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वो सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन एक बात है, अवाम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही या एक्सेप्ट नहीं कर रही, और अगर लॉन्ग मार्च होती है, राणा सनाउल्ला ने कितनी तैयारी की हुई है वो देखें कि रियासती जबर और ये सियासी अदम इस्तेकाम आ सकता है इस सब से। तो मैं समझता हूँ कि इदारों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो हो सकता है तमाम इदारे, इवन अदलिया को भी इस सब के अंदर इंटरवीन करना चाहिए और मुल्क को इस सियासी अदम इस्तेकाम से निकालना चाहिए। इमरान खान इस वक्त तक क्यों कॉल नहीं दे रहे, 25 मई को वो क्यों वापस चले गए थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि मामलात इस नहज पर जाएं जिस नहज पर ये इंपोर्टेड सरकार लेकर जाना चाहती है। इमरान खान के लिए भी मुल्की मफाद पहले है, इदारों के लिए भी मुल्की मफाद पहले है, तो क्यों ना सब मुल्की मफाद के लिए वो फैसले करें जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो मुल्क की मईशत के लिए बेहतर है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।